तो भाई गुड इवनिंग। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। आने वाले कल क्या हो सकता है, आज क्या बताया था, आज का राशिफल और लेवल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के मार्केट की। मैं बताया था आपको कि सुबह 10:15 बजे तक मार्केट अप रह सकता है, उसके बाद डाउन होगा। और अगर कहीं डाउन आज क्लोज होता है तो फिर आगे भी थोड़ा मार्केट डाउन ही रहेगा। ऐसा ही हुआ, मार्केट आपका डाउन में क्लोज हुआ और एक बाउंस दिखता था। वहाँ मैं फ्री वाले चैनल पर भी एक कॉल दी थी, वहाँ से करीब 15 रुपये बढ़ी थी, फिर बाद में आगे तकरीबन 100 रुपये पे बंद हुई है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं कल के मार्केट की। कल 29 तारीख है, 29 मई। कल मिक्स टू नेगेटिव रह सकता है मार्केट। और 13:40 पर शाम को आपने ध्यान रखना है, वहाँ से कोई टर्निंग पॉइंट लेता है मार्केट, कोई बाउंस आता है या जो भी है, तो उस पर ध्यान रखना। या ऊपर रहता है कैसे ही, तो वहाँ कुछ चेंज हो सकता है मार्केट। ठीक है, तो इसके बाद लेवल्स। मार्केट क्या है, ओवरऑल ऊपर के ही लिए है, लेकिन कर क्या रहा है मार्केट, नीचे जाता है फिर लौट आता है। तो वो पैसा देने वाला नहीं था, आज का मार्केट टोटली पैसा लेने वाला था। तो इसलिए हमने सिर्फ एक पुट दी हुई थी सुबह। मैं बोला ये पुट बैंक निफ्टी की जब भी 400 के ऊपर जाती है बाई करना, तो अगर किया होगा या जिसने काम किया है तो उसको पैसे मिले होंगे। वो पुट बार बार 400 के ऊपर जाती, 440, 460 और 480, और लास्ट में भी करीब 440-50 पे ही जाके बंद हुई है। वो पुट थी हमारी 49,500 की। ठीक है, तो अभी जो लेवल्स बनते हैं, निफ्टी थोड़ा सा और नीचे आना चाहिए। अगर करीब करीब आपका 750 के आजू बाजू आता है तो वहाँ पे एक बार बाइंग आ सकती है। अगर सपोर्ट लेता है 760 के आजू बाजू और 750 पे, ठीक है, 22,000। बैंक निफ्टी आपका 800 पे एक सपोर्ट बनता है, 700-800 के आजू बाजू 800 बनता है एक्चुअल, 48,800। अगर वहाँ सपोर्ट नहीं लेता कैसे ही, तो फिर और नीचे जा सकता है। ठीक है, और ऊपर कल के लिए रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा, जो आज का रेजिस्टेंस था वो सेम रहेगा, 49,500 बैंक निफ्टी में। ठीक है, और निफ्टी 23,000 का जो लेवल है उसको रेजिस्टेंस की तरह से ही काम कर रहा है, उसको जो है ना क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अभी बात करते हैं राशिफल की। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, मैं आपका राशिफल बता देता हूँ। ठीक है, तो आज दो तीन राशि कमजोर हैं इसमें से। मेष राशि के 2 पॉइंट हैं, वृषभ के 5 हैं, मिथुन के 3.5 हैं, कर्क और सिंह राशि के 2-2 हैं, कन्या राशि के 2.5 हैं, तुला के 1.5, वृश्चिक के 2, धनु के 3, मकर राशि के 3.5, कुंभ राशि के 4.5 और मीन राशि के 3 पॉइंट। तो ये जो पॉइंट बताते हैं ये 5 में से हैं, जिसके 2 हैं उसका मतलब उसका दिन मार्केट प्लस फाइनेंस के लिए 40% अच्छा है, जिसके 3 है 60%, मतलब 1.20% का इसमें काम करेगा। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।